अपनी पृथ्वी को जानें। पृथ्वी हमारा ग्रह है, इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी एक गोला यानी कि एक वृत्त है। इसे हम दो तरह से देखेंगे। अगर हम वृत्त की ओर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इसको हम एक नक्शे के रूप में बना सकते हैं, जिसे हम दीवार पर लगा भी सकते हैं, या फिर हम इसे एक वृत्त या गोलाकार की तरह ही देख सकते हैं और इससे चीजों को समझने में हमें अधिक मदद मिलेगी। पृथ्वी के दो छोर हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और शेष जमीन। जमीन या धरती महाद्वीपों में बटी हुई है। एशिया, जहां भारत है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका। ध्यान दें कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन किसी भी महाद्वीप पर उत्तरी ध्रुव नहीं है। एकाएक तुम देखते हो कि उत्तरी ध्रुव पर पानी पर बहती हुई बर्फ ही है। दक्षिणी ध्रुव के विपरीत वहां पर कहीं पे भी जमीन नहीं है। तुम देख सकते हो कि एशिया एवं यूरोप ने एक बड़ा हिस्सा घेर रखा है। दूसरे महाद्वीपों की तरह वो पानी से घिरे हुए नहीं है। धरती पर पानी महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है। यह अटलांटिक महासागर है। इसकी एक ओर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा दूसरी तरफ यूरोप व अफ्रीका है। और ये रहा हिंद महासागर, जिसके तीन तरफ अफ्रीका, एशिया व अंटार्कटिका है। तीसरा बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर है। इसके एक ओर एशिया है तो दूसरी ओर दोनों अमेरिकन महाद्वीप। चौथा है आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। इन दिनों कुछ देश अंटार्कटिका के चारों ओर भी एक दक्षिणी महासागर होने की बात कर रहे हैं। हमारी धरती पर खूबसूरत पहाड़ हैं, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में एल्प्स, तथा साउथ अमेरिका में एंडीज। यहाँ पर विशालकाय गर्म रेगिस्तान, जैसे उत्तरी अफ्रीका में सहारा, तथा उत्तरी एशिया में रेगिस्तान भी है। हमारे भारत में ही थार मरुस्थल है। हजारों सालों से पूरी दुनिया में लंबी नदियां हम इंसानों का घर रही हैं। तुम हमारी अपनी गंगा नदी को तो जानते ही हो। लेकिन दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न, तथा अफ्रीका में नील नदियां संसार की दो सबसे बड़ी नदियां हैं। ये दोनों ही लगभग 7,000 किलोमीटर तक बहती हैं। दुनिया में कुल 195 देश हैं। अब तुम कितने देशों को पहचान पाते हो? क्या इन देशों की राजधानियों के नाम भी तुम जानते हो? वो लकीरें जो देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं, उन्हें सीमा कहा जाता है।
नक्शे में दिखाई देने वाली ये सीमाएं अधिकतर मामलों में धरती पर लाइन की तरह असल में खिंची नहीं है। लेकिन जब पड़ोसी देशों में युद्ध हो रहा हो तो वो बाड़ लगाकर उन्हें रोशन कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान के मामले में तुम इसी तरह का विभाजन देख सकते हो, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। धरती पर कुछ और भी रेखाएं खिंची हुई हैं, जो तुम्हें जाननी चाहिए। वह रेखा जो धरती को दो गोलार्धों में बांटती है, यानी दो बराबर हिस्सों में, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है तथा दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। कुछ रेखाएं और भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।